शांति है। राज्यों के दो मूल आधारभूत सत्यों को आपने समझ लिए हैं। योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, और जिससे योग लगाना है वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा है। ये दोनों ही सत्र ध्यान पूर्वक आपने अटेंड किए होंगे, तो मन भटकने के जो दो मूल कारण हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्रथम लेसन से एक कारण स्पष्ट हुआ कि मन भटकने का मूल कारण देह अभिमान है। जब हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर भान में आने लगते हैं, जिस देह अभिमान के कारण ही मन भटकता है। हम कह सकते हैं कि देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, और उसके लिए सिंपल अभ्यास है। अब तक हम देह भान मिटाने के लिए इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त रहने के लिए देह दमन की हठ क्रियाएं करते रहे। कोई आँख बंद करके बैठते हैं, कई मौन कर लेते हैं, उपवास करते हैं, कई देह को कष्ट देने वाले हठयोग की क्रियाएं करते हैं कि देह भान मिट जाए। लेकिन राजयोग में देहभान मिटाने की, बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सोल कॉन्शियस बनने की बहुत सहज विधि है, और वो है खुद को आत्मा समझना, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूलने के कारण हम देह भान में आए। इसलिए प्रथम लेसन से तीन अभ्यास रोज की दिनचर्या में बार बार आप करते रहेंगे तो बहुत जल्दी सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। पहला अभ्यास आत्मस्मृति में रहना, उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करते हुए मन ही मन ये अवेयरनेस रखना कि मैं आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति।
शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा अभ्यास, हरेक को आत्मदृष्टि से देखना। आप जिसको भी देखें, जिससे भी मिलें, बातचीत करें, उनके मस्तक में देखें, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। उस आत्मदृष्टि से देखना है, देह नजर से नहीं। हमें स्पष्ट रहे कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नहीं, ये गलत स्मृति है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी कहा जाता है। मैं आत्मा शक्ति हूं। हमें एक दो को रूहानी दृष्टि से देखना है, देह भाव से नहीं देखना। और तीसरा अभ्यास है, सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म आप करते हैं, आत्मधर्म में स्थित होकर करें। और अब आप सबको पता है कि हरेक आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। हरेक आत्मा के निजी गुणधर्म, उनके असली गुणधर्म शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता है। हमें इन गुणधर्मों में स्थित होकर हर कर्म करना है। अगर ये तीन अभ्यास, अटेंशन हम रखेंगे तो बहुत जल्दी हम सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। और जैसे ही आप सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, मन अंतर्मुखी बनता जाएगा, आप स्वयं के आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित होते जाएंगे और आपका नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा, क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं के पिता है, शरीर के पिता नहीं। परमात्मा को याद करने वाली हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं। इसलिए एक सिंपल बात आप समझ लें कि आप बॉडी कॉन्शियस रहेंगे तो देह से संबंधित व्यक्ति, वैभव, प्रवृत्ति
संसार वही बातें याद आती रहेंगी। आप सोल कॉन्शियस बनेंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। और कल शाम को जो दूसरा सत्र हुआ, पिता परमात्मा का सही परिचय आप सबने प्राप्त किया। इससे मन अब तक जो भटकता था परमात्मा स्मृति में एकाग्र नहीं होता था, उसका दूसरा मूल कारण आपको समझ में आ गया होगा कि जिस परमात्मा से हम मन बुद्धि लगाना चाहते हैं, हम उस परमात्मा को ही नहीं जानते थे, उनका ही सही परिचय नहीं था। अब आपको स्पष्ट है कि परमात्मा एक ही है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, कल्याणकारी शिव पिता, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, जो सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर है, इटर्नल सोर्स है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकता। हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा की याद से, योग तपस्या से महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा तैयार नहीं होते। हमें स्पष्ट रहे, जो भी साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत, हम उनको महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। जो भी धर्म स्थापक इस दुनिया में हुए हैं, जिन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, चाहे वो इस्लाम के अब्राहम हैं, यहूदियों के हजरत मूसा हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक जी हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, शंकराचार्य जी हैं, अशो जरथुस्ट हैं, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा के मैसेंजर है, परमात्मा नहीं। और जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते रहे हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राधे कृष्ण है,
श्री सीताराम हैं, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती हैं, श्री गणेश हनुमान महाकाली हैं, ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इन सब के रचयिता परमात्मा एक निराकार ज्योति स्वरूप है, जिस परम ज्योति स्वरूप को सभी धर्म मान्य करते। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना। तो देखिए, हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। न हम भौतिक हैं, न परमात्मा भौतिक हैं, न हम कोई प्राकृतिक शक्ति हैं, न परमात्मा कोई प्राकृतिक शक्ति है। तो अंडरस्टूड है आत्मा का परमात्मा से संबंध, संपर्क, मिलन, कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। चित्र में बताया है कि एक वक्ता का श्रोताओं से संपर्क ध्वनि शक्ति, प्रकाश शक्ति के माध्यम से है। अगर यहां घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलू ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच जो कॉन्टेक्ट स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू साउंड एंड लाइट। हम एक दूसरे से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल से कांटेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से संपर्क, मिलन, बातचीत, कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं। ये मन और बुद्धि हम औरों से अटैच करके बैठे हैं और फिर परमात्मा मिलन के लिए शारीरिक, औपचारिक क्रियाएं करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं, जैसा कि योग के नाम पर अब तक
हम आसन प्राणायाम की देह दमन की शारीरिक क्रियाएं करते रहे हैं। राजयोग में कोई आसन प्राणायाम नहीं करने। बेशक आप फिजिकल हेल्थ के लिए आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो शरीर के लिए है। लेकिन जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, परमात्मा से मिलन मनाने की बात है, इसमें कोई शारीरिक क्रिया की आवश्यकता नहीं। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। आप कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए। सुखासन में बैठना है, जिस सहज स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हो। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन है, माताएं, बहनें, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके कोई ना कर सके। यहां आप खुद अपने अनुभव को देखिए। आप कुर्सी पर आराम से बैठे, फिर भी एक घंटे के अंदर कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो हाँ, योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि भाई कब ये घंटा पूरा हो तो ये आसन छूटे। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही आप बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। अब ये शरीर भी ऐसे हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। इसलिए हम कहते हैं फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। लेकिन जब भी आप योग अभ्यास करने बैठे, मेंटली अटेंटिव होकर के बैठना है, मन से अटेंटिव होकर बैठना। अगर मन से भी आराम से बैठे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अगर मन से भी आप आराम से बैठेंगे तो क्या होगा? नींद आ जाएगी। हाँ,
देखो आसपास कोई नींद तो नहीं कर रहा है, हाँ? तो फिजिकली रिलैक्स, पर मेंटली अटेंटिव होकर बैठना है। क्या अटेंशन रखना है कि ये एक घंटा या आधा घंटा, ये दो घंटा मैं परमात्मा स्मृति के लिए बैठा हूं, ये दो घंटा प्रभु चिंतन के लिए है, परमात्मा मिलन के लिए मैं बैठा हूं, अभी और बातें मुझे नहीं सोचनी है। अपने आप को समझाइए, जीवन की अन्य अनेक बातों को सोचने के लिए, फिर वो घर गृहस्थी की बातें हैं, नौकरी धंधे की बातें हैं, समाज संसार की बातें हैं, शरीर की, परिवार की बातें हैं, ये सब सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। आप लक्ष्य बनाइए कि प्रतिदिन एक घंटा सुबह, एक घंटा शाम परमात्मा चिंतन के लिए, प्रभु मिलन के लिए। उस समय और बातें नहीं सोचनी। इस प्रकार बार बार फिर से अटेंटिव होकर बैठना है। हो सकता है आप में से कई, चूंकि आजकल हर कोई फिजिकल योग अभ्यास करने लगे हैं, कोई पद्मासन लगाकर, कोई अर्ध पद्मासन लगाकर, कोई वज्रासन लगाकर घंटा दो घंटा सहज बैठ सकते हो, पर आप खुद सोचिए कि शरीर से आसन लगाकर हम स्थिर बैठ गए, पर मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा स्मृति में मग्न नहीं हुआ, केवल शरीर से स्थिर बैठ गए, तो क्या फायदा है? हमें तो मन परमात्मा में मग्न करना है ना, मन बुद्धि परमात्मा में एकाग्र करना है, शरीर से केवल स्थिर नहीं बैठना है ना। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि मन परमात्मा में आसन्न करना है, न कि शरीर को केवल आसन लगाना। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी यही आदेश दिया हुआ है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मई बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। मन बुद्धि परमात्मा में लगाने के बजाय हम शरीर से आसन लगाते रहते हैं। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक
क्रिया नहीं है, हमें अपनी सहज स्थिति में बैठना है। अब योग अभ्यास में क्या करना है? लोग सोचते हैं कि भक्ति में परमात्मा की याद में एकाग्र होने के लिए हम माला फेरते रहे हैं, मंत्र रटते रहे हैं, या मुख से कुछ न कुछ आरती भजन गाते रहे हैं, तो राजयोग में क्या करना है? राजयोग में कोई माला नहीं फेरनी है, ना ही कोई मंत्र रटना है, क्योंकि रटना जपना औपचारिक क्रियाएं हैं, नेचुरल नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनके नाम की माला फेरते हैं? महेश भाई, हाँ, हम ऐसे नाम से रटते हैं? हाँ, नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को स्वाभाविक याद करते हैं, हम उनकी स्मृति में रहते हैं, हम उनके चिंतन में रहते हैं, केवल उसका नाम रटते नहीं रहते। तो परमात्मा की याद के लिए भी हमें ऐसी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं, जबकि हमें भक्ति में अनुभव है, हम माला फेरते रहते हैं और मन भी फिरता रहता है, है अनुभव, हाँ, मन भी फिरता रहता है, क्योंकि जो क्रियाएं औपचारिक है, आर्टिफिशियल है, रटना जपना, मन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, इसलिए भटकना शुरू कर देता है। इवन हमारे भक्ति में ज्ञानी भक्तों ने भी स्पष्ट कहा है, कबीर जी ने स्पष्ट कहा है, माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। उन्होंने खुद ये सजेस्ट किया है, हाथ के मन के छोड़कर मन का फेर। ये मन रूपी मणके को फेरने की बात है, मनोस्थिति बदलने की बात है। सिर्फ हाथ से मन के फेरने की बात नहीं है, परमात्मा से योग लगाना है तो मनोस्थिति को अंतर्मुखी बनाने की जरूरत है। जो मन बहिर्मुखी बन गया है, बॉडी कॉन्शियस बन गया है, संसाराभिमुख हो गया है, हमें पहले मन को अंतर्मुखी बनाने की जरूरत है, मन परमात्मा विमुख करने की जरूरत है। इसलिए प्रथम लेसन
आत्मचिंतन का सिखाया गया। तो मनोस्थिति बदलना है, न कि सिर्फ मन के फेरने की बात है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है, यहां हमें मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना है, न कि सिर्फ मुख से या मन से मंत्र रिपीट करना है। कई बार हम देखते हैं लोग मंत्र रटते हैं, उसके अर्थ को भी नहीं समझते। हमें मंत्र के अर्थ को समझकर उसे आचरण में लाना है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है। हमें योग में कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटना नहीं है। हमें ओम शांति सिर्फ मुख से कहने की बात नहीं। कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं। यहां हमें ओम शांति बनना है। हमें अपनी शांत आत्मा स्थिति बनानी। इसलिए सबसे उत्तम ये है जो ईश्वर के प्रेम मंत्र में मुग्ध है, उसे शब्द मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमात्मा से प्यार कम हो गया, हम उनकी याद स्मृति में नहीं रह पाए, तो हमने ये विभिन्न प्रयास शुरू किए कि चलो मंत्र रटते हैं, माला फेरते हैं, मन एकाग्र होता है। ये हमारे विभिन्न प्रयास थे, पर सही बात यही है कि हमें रटने जपने की या मुख से गाना बजाना आवाज करने की भी जरूरत नहीं है। हम भक्ति में मुख से आरती गाते हैं, भजन गाते हैं, माइक लगाकर जोर जोर से रात दिन हम भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, आवाज करते हैं। राजयोग में आवाज नहीं करना है, क्योंकि सही बात ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। वो इस आवाज की दुनिया से दूर कहां रहते हैं? हाँ, शांति की दुनिया में रहते हैं। ये टॉकी वर्ल्ड है,
यहां हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं, हम आवाज में आते हैं। परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं, जिसको परम धाम शांति धाम कहा जाता है। वहां ये मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? हाँ, अंतर का आवाज उनको पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। वो दिल का जिगरी प्यार परमात्मा से नहीं रहा, इसलिए हम मुख से गाने लगे, आवाज करने लगे, बजाने लगे। आरती शब्द ओरिजिनली आर्त वाणी है। अंतर की वाणी से परमात्मा को याद करना, इसलिए राजयोग के अभ्यास में हम साइलेंस में बैठते हैं, मन और बुद्धि से अंतर्मुखी बनकर अंतर मन के प्यार से पिता परमात्मा को याद करते हैं। अब दूसरी बात, लोग सोचते हैं योग कहां लगाना, हम सामने क्या रखें, मूर्ति रखें, चित्र रखें, फोटो रखें, हमें योग कहां लगाना है? क्या हम दीवा जलाएं, बिंदु पर मन लगाएं, हमें योग कहां लगाना? लेकिन अब मैं आप सबसे ही कहूंगी, अब आप खुद विवेक से सोच कर बताइए कि हमें योग कहां लगाना है। अब आप भी सिर्फ भक्त आत्माएं नहीं है, अब आप भी ज्ञानी तो आत्माएं हैं। आप सभी ने अपने आप को जान लिया है, पिता परमात्मा को पहचान लिया है। अब आप खुद विवेक से बताइए कि हमें योग कहां लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र मूर्ति या फोटो से योग लगाना है। ये तो भक्ति में हम भगवान को जानते नहीं थे, हम भावना से भगवान को मानते थे, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। तो हरेक ने अपनी श्रद्धा भावना जिसकी जिसमें रही, उनका चित्र फोटो सामने रखा। जैसे आपके पिताजी विदेश गए हों, तो आप उनके फोटोज आएंगे, वीडियोज आएंगे, वो देखकर खुश होंगे।
लेकिन पिता स्वयं विदेश से सन्मुख आ जाए, फिर फोटो देखते रहेंगे या आए हुए पिता से सन्मुख मिलन मनाएंगे? क्या करेंगे? सन्मुख मिलन मनाएंगे ना। चलो, भक्ति में हम भगवान को खोजते थे, हम मानते थे, यथार्थ रूप से जानते नहीं थे, तो हमने मूर्ति चित्र फोटो का आधार लिया, लेकिन उसमें भी अनुभव क्या है? मंदिर जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो भी मन घूमता ही रहता है। मन में दूसरी ही मूर्तें घूम रही। आखिर ये आधार कब तक हम लेंगे? आप सोचिए ना, क्या हम अपने प्रेमियों को, स्नेहियों को याद करने के लिए उनका फोटो चित्र सामने रखते हैं? रखते हैं? हाँ, नहीं। हम कहते हैं कि मुझे उनका फोटो चित्र सामने रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे मन में ही छपे हुए हैं, जिसको मैंने जान लिया, पहचान लिया और अंतर मन में छाप लिया, उनके बाह्य फोटो की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो परमात्मा की याद के लिए भी हम ऐसा आधार कब तक लेते रहे? इसलिए अब राजयोग में आपको एक कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपको परमात्मा का सही परिचय मिल चुका है। इसलिए जो अभ्यास मूर्ति चित्र के आधार से, क्रियाओं के आधार से करते थे, अब परमात्मा को याद करने का अभ्यास मन और बुद्धि से, सत्य ज्ञान की समझ से करना है। इसलिए राजयोग में कोई चित्र मूर्ति फोटो का आधार नहीं। यहां जो भी चित्र आप देख रहे हैं, इवन हमारे केंद्रों की मुलाकात आपने ली होगी, ज्ञान के अनेक चित्र लगे हुए होते हैं, यहाँ म्यूजियम में, आर्ट गैलरी में भी आपने देखा होगा, पर आपको ये स्पष्ट रहे कि ये जो भी चित्र हैं वो ज्ञान समझाने के लिए, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना, ये ज्ञान समझाने के लिए। और ये तो आप मानते हैं ना कि घर में जैसे चित्र लगाएंगे ऐसा ही चरित्र बनेगा, ये तो आप समझते हैं ना।